हेलो नमस्ते गेम जो का स्वागत है आप सबका आज के ब्रांड न्यू मोटो व्लॉग में। आज कुछ मैंने व्लॉग शूट नहीं किया सुबह से, एक मिनट हाँ, तो गाइस आज कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया मैंने। और ये क्या नज़ारा देखो, ऊपर मेरी बात को छोड़ो, ये क्लाउड्स को देखो, वाओ क्या मस्त लग रहा है ये। तो हाँ, मैं वो बोल रहा था कि मैंने आज सुबह से कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया बिकॉज मैं सुबह से घर पे ही था और घर पे रहके आपको क्यों बोर कर, तो और ऐसा कुछ बताने ऐसा कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा कि बोर करके व्लॉग क्यों बनाऊँ। और फिर दोपहर को बारिश आ गई थी और मैंने अप्रैल में कोर्स में एनरोल किया है तो उसकी पढ़ाई कर रहा था मैं। और फिर दोपहर को मस्त वाली बारिश हुई थी, मैंने सोचा कि चलो भीग के आता हूँ मस्त। फिर सोचा कि नहीं रहने दे भाई, ऑलरेडी थोड़ी आज सुबह से तबीयत मेरे डाउन लग रही थी, तो अगर भीग जाऊँगा तो बुखार आ जाएगा तो फिर कॉन्टेंट ही कुछ नहीं बनेगा, तो मैंने सोचा रहने दो। और ये क्लाउड्स देखो यार कितने मस्त लग रहे हैं। हाँ इंटरव्यू के लिए भी कॉल आए थे तो इंटरव्यू कल का शेड्यूल किया है, तो अभी जॉब पे भी लगना है तो उसकी भी तैयारी साइड बाय साइड चालू ही है। आपको आवाज़ से पता चली गया होगी तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है, तो या अगर और फिर अगर कल इंटरव्यू देने जाएंगे मैं और प्रिया हम दोनों, और उसके बाद कहीं जाना हुआ तो कॉन्टेंट शूट करूँगा अगर तबीयत सही रही तो, वरना तो लेट्स सी अभी देखते क्या होता है। और मैंने कहा इस मोटो ब्लॉगिंग के लिए एकदम मस्त चीज़ मंगवाई है, तो फिर प्रियल और जो भी मेरे पीछे पिलन बैठा रहेगा उसको तकलीफ़ नहीं होगा ऐसे मोबाइल पकड़ने के लिए, तो उसका भी जुगाड़ किया है मस्त। गाइस जस्ट लुक एट द व्यू, क्या व्यू है, मतलब यार मज़ा आ गया। एक वीक पहले मैं चामे और भाविक चार को आ रहे थे, राइट साइड में क्लाउड्स का कलर अलग था और सामने क्लाउड्स का कलर अलग था, तो क्या मस्त लग रहा था वो। तब मेरा फ़ोन पॉकेट में था इसलिए उस टाइम मैंने शूट नहीं किया, वरना थोड़ा सा स्नैपशॉट्स लेके रखता था लेकिन भूल गया। गाइस अभी डबल हेलमेट का रूल आ गया है, जो ड्राइव कर रहा है उसको भी हेलमेट पहनना है, जो पिलियन बैठा है उसको भी हेलमेट पहनना है, लेकिन ये सामने ज़रा देखो ये लोग को भाई, दो तो छोड़ो जो ड्राइव कर रहा है उसने भी हेलमेट नहीं पहना, तो वो बहुत गलत बात है। गवर्नमेंट ने रूल लाया तो कुछ सोच समझ के ही लाया होगा, तो गाइस ज़रा पहनो हेलमेट। और ये जो रास्ता देख रहे हो आप, पहले ये रास्ता बहुत ख़राब था और अभी क्या बना दिया है रास्ता, मतलब हाँ हाँ मज़ा आ गया, मतलब चलाने को भी एकदम मज़ा आ रहा है बिकॉज फुल एक ही जैसा रास्ता है, ना ही खड्डे है ना ही कुछ है, एकदम मस्त मज़ा आता है इसमें, ऐसे रास्ते पर चलाने का बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पर एक ही दिक्कत है, गाड़ी लेके आओ ना तो फंस जाते हो फिर। ये देखो तो ये गलियों में सिर्फ एक ही दिक्कत है, आओ लेकिन गाड़ी लेके मत आओ, बस एक्टिवा इज़ एक्टिवा बाइक इज़ बेस्ट, गाड़ी लेके आते हैं फिर यहाँ पे हम फंस जाते हैं। मैं प्रिल की गली में गाड़ी लेके गया था सुबह सुबह जब हमारे पास एंजॉय थी हमारी तब, लेकिन वो तो सुबह का टाइम था इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था। अगर वही कार में 11-12 बजे लेके जाता वो गली से निकलते निकलते मुझे आधा पौना घंटा लग जाता बिकॉज सामने से भी ट्रक और वो सब आ रहे हैं और यहाँ हमारी गाड़ी। और ये बारिश गिरी और इतना ठंडा एनवायरनमेंट हो गया ना तो मुझे एकदम वड़ा पाव खाने का तलब आ गया, लेकिन फिर सोचा कि नहीं हेल्थ अपनी अभी थोड़ी ऊपर नीचे है तो वड़ा पाव नहीं खाना है, तो इसलिए वरना यहाँ पे लेफ्ट में जो गली है वहाँ पे जो वड़ा पाव है भाई ऑसम वड़ा पाव, एकदम ऑथेंटिक महाराष्ट्रीयन टेस्ट का वड़ा पाव है। मैं कभी जाऊँगा वहाँ पे तो शूट करूँगा और आपको बताऊँगा, बहुत अच्छा है वड़ा पाव वहाँ का। अभी मुझे भी एक हेलमेट लेना है और अभी जो मैं हेलमेट यूज़ कर रहा हूँ वो पिलियन के लिए रख देंगे। वाह भाई वाह, ऐसे बंदे लोग चलाते रहेंगे तो फिर हो गया फिर ख़त्म। हाँ विदाउट एनी इंडिकेशन हॉर्न, कैसा घुसा वो, कोई नहीं चलता रहता है और बस वही अलर्ट रहना चाहिए। और मैं भी कल हेलमेट लेने का सोच रहा हूँ और अभी जो मैं हेलमेट पहन रहा हूँ वो सिर्फ पिलियन के लिए रखेंगे, और मेरा वो हेलमेट उसके अंदर मैंने मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप सोचा है। अभी होप फॉर द बेस्ट कि वो सेटअप अच्छे से काम करे। और यहाँ पे काले बादल नहीं दिख रहे, यहाँ पे एकदम मस्त मस्त बादल दिख रहे,
काले, हाँ यहाँ पे पिंकिश जैसे और पीछे काले बादल। ओ ओ ओ, ओ। यस। और मुझे लगा एक मिनट रुक गया कुछ भी ब्लॉक कुछ, अरे गई 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 गई। आराम से भाई। मुझे लगा कि ख़त्म, फिर अभी गिर गए। लेकिन बस वैसे तो मैं कुछ भी आज शूट नहीं करने वाला था, प्रॉपर रेस्ट ही लेने वाला था, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, डेली व्लॉगिंग स्टार्ट किया है तो अपलोड तो करना है। अगर नॉर्मल व्लॉग नहीं तो मोटो व्लॉग तो सही, बिकॉज अभी रेगुलर होने का ट्राई कर रहा हूँ। तो कितना अच्छा डॉग है यार, ये देखो वाह, एकदम फ्लफी फ्लफी है। पर अभी रेगुलर होने का ट्राई कर रहा हूँ तो सिर्फ ऐसा गैप ले लूँ तो वैसा मुझे नहीं था। अगर मैं घर के अंदर ही रहता, कहीं बाहर नहीं जाता तो वो बात अलग है, बिकॉज़ घर के अंदर अंदर रह के आपको क्या दिखाऊँ। अभी यहाँ पे बाहर हूँ तो मैंने सोचा कि मोटर ब्लॉगिंग तो हम कर ही सकते हैं, तो बस मोटर ब्लॉगिंग। आंटी भी एक्टिवा सीख रहे, अभी तो सिर्फ प्रियल ने ही नहीं सीखा है, बाकी सब ने सीख लिया एक्टिवा। प्रियल को भी ये रास्ते पर ही सिखाया था मैंने एक्टिवा, लेकिन उसको एक्टिवा हैवी लगता है, क्या करें। तो बस वही था, और एकदम छोटा सा मोटो ब्लॉग कह सकते हो इसको, तो आपको क्या ही दिखाऊँ मैं। और कुछ भी घर पे ये खाना खा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ दिखा के, ऐसे आपको भी बोर क्यों करें। ओ ये देखो, देखा जब मैं ये साइड आ रहा था तब आपने क्लाउड्स देखे कैसे थे, और अभी जैसे और अपोजिट साइड जा रहा हूँ तो देखो क्लाउड्स कैसे। सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे एक्टिवा चलाने का चारकोप में ही आता है, एकदम मस्त गली गली होती है छोटी छोटी, उसमें क्या निकलने का मज़ा आता है। छोटी छोटी गली रहती है, ये तो फिर भी 8 सेक्टर है, टर्जन पॉइंट है यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये जो प्रियल के घर की गली है, जो गली से मैं लेके आया था वो गली है, वैसे गली गली में चलाने का मज़ा आता है। लेकिन सिर्फ एक्टिवा, ठीक है, गाड़ी वाड़ी नहीं, गाड़ी तो चलो इस ब्लॉग को इतने रखते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा कोई भी रीजन से और यहाँ तक देख लिया तो लाइक किए बिना मत जाना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।